आपके साथ शिवम सोनी। खबर बिलासपुर से, जहां पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मेडल लेने वाली लॉ की छात्रा रामेश्वरी राव दीक्षांत समारोह की रिहर्सल के बाद अचानक गायब हो गई। गुमशुदा छात्रा के भाई ओमकार राव मराठा ने ट्विटर पर ट्वीट करके पुलिस को अपनी बहन को वापस लाने की गुहार लगाई है। साथ ही मामले की शिकायत सिविल लाइन थाने में भी की गई है। मामले की शिकायत मिलने के बाद पुलिस की टीम ने छात्रा की तलाश शुरू कर दी है। परिजनों ने सिविल लाइन थाने में आके मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई कि लड़की कल दिनांक से कहीं गायब है। उसके कुछ दोस्तों से बात की, बात हुई है, उन्होंने बताया कि 3-4 दिन से कुछ परेशान रहती थी। अभी इसकी गुमनसार दर्ज कर अभी पतासाजी की जा रही है। अभी तक उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई। यूनिवर्सिटी में अध्ययनरत थी, अभी इसकी जानकारी है और अभी उसके संबंध में जो भी पतासाजी की जा रही है अभी तक कोई जानकारी। तो ज्यादा जानकारी के लिए बिलासपुर से हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र पाठक फोन लाइन में जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, कल छात्रा को मेडल लेना था राष्ट्रपति से और इससे पहले छात्रा का अचानक रिहर्सल के बाद से गायब हो जाना किस ओर इशारा कर रहा है? अब इसमें अभी क्योंकि पुलिस मामले की जांच कर रही है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन छात्रा जिस तरीके से रिहर्सल से गायब हुई है और उसके बाद ये कहीं ना कहीं इसमें विश्वविद्यालय प्रशासन की जानकारी में रहा होगा मामला, लेकिन उन्होंने जानकारी नहीं दी। परिजनों को जब देर तक छात्रा की सूचना नहीं मिली, आने की सूचना नहीं मिली 5 बजे तक, तो उसके बाद परिजनों ने मामले के पुलिस में शिकायत की है। उनके भाई ने भी जो ट्विटर में शिकायत की है और पुलिस अपनी बहन को लाने की गुहार लगाई है। तो इस तरीके से जो कहीं ना कहीं ये लगता जरूर है कि इसमें जो विश्वविद्यालय प्रशासन की लापरवाही वो सामने आई है और इसमें छात्रा चूंकि अब वाली है और मेडल लेने वाली छात्रा है, तो ऐसे में जब पुलिस के लिए भी और बड़ा मामला हो जाता है कि एक राष्ट्रपति जब आ रहा है ऐसे अहम दौरे के समय एन जब कल उसको मेडल मिलना है छात्रा को, छात्रा का गायब हो जाना, तो पुलिस के लिए भी एक थोड़ा सा गंभीर विषय हो गया, जांच का विषय हो गया। राष्ट्रपति के सामने इस तरीके की घटना घटी है तो इस मामले को लेकर के पुलिस जांच कर रही है। पुलिस के पास कोई सुराग नहीं लगा है, लेकिन इस तरीके से छात्रा ने मोबाइल से सूचना दी थी और बाद में वो उसका मोबाइल बंद मिला, तो तमाम चीजें जो है पुलिस अभी जांच के दायरे में लेकर काम कर रही है और ड्यूटी हुई है। जैसे ही उस पर कुछ मिल सकता है कल उसको, सबसे अहम बात यह कि कल छात्रा को मेडल लेना है, अगर वो आ पाती है कि नहीं आ पाती ये सभी सवाल खड़ा होगा आपकी तरफ। शुक्रिया शैलेंद्र, आप पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे और अब बात पोहरी की करेंगे, जहां पर यात्रियों से भरी